more than 45,000 cases of were here to create awareness about the menace and to address the critical issue in our society. As there are various forms of the exercises over another, it is your refuse. 2021. जहां तक जुम्मे कश्मीर यूनिटरिटी का सवाल है, डोमेस्टिक वायलेंस गो क्या यह गो घरेलू तसादुन तशद्दुद अच्छ अलग अलग तरीक अगर बुते मतलब छोटे छोटे समझ वन हो यह दुनिया तो एक रंगमंच रंगमंच मींस थिएटर अतमच डिफरेंट लुक डिफरेंट रोल प्ले कर मगर फीमेल यह एट अ टाइम एक ही वक्त अलग अलग रोल अलग अलग जाय प्ले कर स्टार छो इमिस गसन इन साथ बच्ची छासन यह है जनान मोहनी चुकूर यह है छ पगा खानदारी बनन यह है छ मोज बनन यह है छ जाम यह है छ बैकाकिन यह है छ हश मगर अलग अलग जायन छ अलग अलग रोल प्ले कर यम साथ कूर छ इच अब डिफरेंट सेटअपस मस पालन ये छ गारस मस राज त करन मगर यम साथ यह है कूर जाम छ बनन खबर अमिस क्या मुशित ग बुत मा सा कूर मे देखभाल कित पा घर मे मान बनि तह हाल जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारत की 75वें आज़ादी के सेलिब्रेशन में आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है। इस सिलसिले में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी कई सारे प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रही है, उसमें लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी काफ़ी सारे हैं। आज इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोलाब्रेशन विद सखी सेंटर अनंतनाग यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे हम एक अवेयरनेस की डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में, जिसमें यही मकसद था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उनके साथ साथ और भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, स्पीकर्स थे। तो इसमें यही हमारी मैसेज है, अवेयरनेस है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कितने फॉर्म्स में होती है और उसमें कोर्ट्स में कानून क्या क्या है जिससे इसका इजाला किया जा सकता है। तो यही एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर कभी भी किसी भी जगह कहीं पे भी जो घरेलू तशद्दुद का विक्टिम है, हमने कोशिश की जो कानून इसका है कैसे इजाला हो सकता है, आपको हेल्प लाइन जैसे कि सेंटर के हवाले से या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हवाले से बहुत सारे हेल्पिंग लीगल एड सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ हमने इनके जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके हवाले से थोड़ा अवेयरनेस करने की कोशिश की। तो मकसद यही है कि पूरे यही अवेयरनेस लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इस सिलसिले में हमेशा कई सारे प्रोग्राम्स इनेकाद कर रही है और अवेयरनेस कर रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसका इजाला कैसे हो सकता है। शुक्रिया सर। सबसे पहले जो घरेलू तशद्दुद है और इससे जो दो चार औरतें बच्चे जो भी हैं उनके लिए मुफ्त कानूनी इमदाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ उनको मुफ्त वकील मिलता है वो उनकी तरफ से केस लड़ सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपनी थ्रू एजेंसीज़ के थ्रू एनजीओज़ के थ्रू उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिनके ज़रिए भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें हमारे पास आती हैं। जो सखी सेंटर्स है वो बतौर ब्रिज पुलिस और जुडिशरी के दरमियान करती है, काउंसलिंग भी करती है। जहाँ तक कोर्टों में डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद के मुकदमाजात का ताल्लुक है, बड़े सारे केसेस हैं। हालांकि जब देखा जाए ये तकरीबन सिर्फ 10% ही है जो कानूनी मावनत चाहते हैं, 90% वो है जो किसी को बताते नहीं हैं। तो जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसका मकसद यही था कि जो घरेलू तशद्दुद की शिकार औरतें या बच्चे हैं वो खुल के आए, आगे बोले, उनके लिए बड़ी सारी मशीनरीज है, इकदामात है और बड़ी दादरसी उनके हक में दी जा सकती है। और दीही इलाकों की अगर हम बात करेंगे, दीही इलाकों तक जो खवातीन हैं उन तक आपकी जो जिस तरह से
आज भी यहाँ पे जानकारी कैंप जो है मुनक्द हुआ है, उन तक ये मैसेज नहीं पहुँच जाती, क्या करेंगे उन ब्लॉकों को जो रिहाइश पजीर ख्वातीन हैं उनको अवेयर करने के लिए? हमारा जो नालसा है उसका एक पैन इंडिया नेटवर्क है जो नेशनल लेवल से स्टार्ट होकर स्टेट लेवल से फिर तालुका लेवल और गांव देहात तक पहुंचता है। हमारा अगर दफ्तर डिस्ट्रिक्ट में है, हेडक्वार्टर्स पे है, तालुका लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटीज़ हैं और हमारे हर इलाका जात में, दूर दराज इलाके जात में पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं जो बिल्कुल जिनका बिल्कुल बरे रास्त रबता आम लोगों से है, देहात से है, तो वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोगों को आगाही दे रहे हैं इस कानून के बारे में, इस कानून में जो दादरसी फराम हो सकती है इसके बारे में वो उनसे मुतला कर सकते हैं और उनसे मुतला करके वो हमारे पास आ सकते हैं, जो भी कानूनी इकदाम खदमात उनको देनी होगी हम उनको दे सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत मैम, आपका खैर मकदम है। आपके हमें जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपने पहली बात की है अंसाब सेंटर की, तो क्या रोल है इसका समाज में? जी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम एडवोकेट फरहीन खान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनंतनाग। मैं हूँ लीगल एडवाइज़र OIC की सिंस 2018। तो मैं जैसे बात करती हूँ अभी, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को, लेकिन मैं देहात की बात करूँगी जो कि किसी ने ये टॉपिक टच नहीं किया कि देहात में क्या कैसे क्या केसेस, कैसे लोग औरतें जो हैं जो डील कर रही हैं वे डोमेस्टिक वायलेंस होगा या मेंटेनेंस उनको नहीं कर पा रहे, चाहे उनके हस्बैंड है या बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, सॉरी बच्चे जो अपने बूढ़े माँ बाप, स्पेशली मदर्स की मैं बात करूँगी। तो आई हैव डेल्ट विद अराउंड 289 केसेस सिंस 2018, जिसमें मैंने, मेरा कोर्ट आता है पेरिफेरल कोर्ट्स में मैंने डील किया हुआ है केसेस के साथ, जैसे कि वायलू कोर्ट है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट एट वायलू, वो पेरिफेरल कोर्ट आता है हमारा, अशमुकाम में है, डूरू है, कुलगाम है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस किया है एंड अराउंड 250 केसेस जो हैं जो हमने डिस्पोज ऑफ भी किए हैं, जिसमें जजेस ने अच्छे खासे स्पीकिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं लेडीज़ को, जो डेस्टिट्यूटेड लेडीज़ थी जिनमें उनको कॉम्पनसेशन अप टू द ट्यून ऑफ ₹50,000 दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑर्डर थ्रू कोर्ट हुआ है कि वो उसी घर में रह सकती हैं, प्लस उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पुलिस के थ्रू अगर उनके ससुराल वालों ने या उसके हस्बैंड जो है जिनकी वजह से क्रुएल्टी हुई है या हैरेसमेंट या वायलेंस हुई है, उस वो उसी घर में रह सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लोगों को अभी भी लगता है कि लोगों तक दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ तक बात नहीं पहुँच रही, ऐसा नहीं है। लोग मुझे पर्सनली मेरे पास आते हैं कि मैम ऐसे हमने सुना है कि OIC है 181 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करे कि जहाँ पे हमको लीगल फ्री लीगल असिस्टेंस मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से, मतलब आपके थ्रू मैं फिर से ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ उन लोगों को जिनको इसके बारे में नहीं पता है, कम टू 181। आप डायरेक्टली एक 181 को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपका एक केस रजिस्टर होता है, फिर वो उसका एक सेशन होता है, काउंसलिंग सेशन होता है, हमारा जो ऑफिस है वो अनंतनाग में है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। उसके बाद मैं जो हूँ आपकी जो है फ्री लीगल असिस्टेंस, किसी भी हेल्प की ज़रूरत, चाहे वो सिंपली एक बच्ची के साथ हो रही हो, एक औरत के साथ हो, शादीशुदा हो नहीं हो, जो भी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, एक एंगेज रिलेशनशिप में हो, जिसमें भी, जिस भी तरह की हो रही है, आई एम देयर देयर टू हेल्प यू आउट, किसी भी तरह की आपको जो असिस्टेंस की ज़रूरत हो। शुक्रिया मैम। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।